हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत आकिर नाम के एक प्लैनेट से होती है, जहाँ के लोग पूरी तरीके से फार्मिंग में डिपेंड होते हैं और इन लोगों को अकीरा कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मालमोरी एम्पायर का राजा सैडोर अपनी पूरी सेना के साथ आकिर प्लैनेट पर कब्जा करने का इरादा रखता है, जहाँ पे सैडोर आकिर के लोगों से कहता है कि अगर वो लोग खुद से उनके सामने सरेंडर नहीं करते तो वे लोग उनके प्लैनेट को स्टेलर कन्वर्टर नाम के एक वेपन से छोटे स्टार में बदल देंगे। ये चेतावनी देकर वहाँ से वो अपनी सेना लेकर चला जाता है। अब सैडोर के आने के कारण लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि आखिर इस प्लैनेट के लोगों ने सदियों से कोई भी लड़ाई नहीं की होती, काफी मासूम लोग रहते हैं अपनी छोटी सी दुनिया में। लेकिन उसी दरमियान जेड नाम का एक बुजुर्ग आदमी आता है, जो आखिर इस प्लैनेट के लिए काफी सालों पहले काफी लड़ाइयां लड़ चुका था, और वो सैडोर के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता। और वो सबको कहता है कि उन्हें अपने प्लैनेट की सुरक्षा के लिए मर्सनरी सोल्जर्स की मदद लेनी चाहिए। मर्सनरी सोल्जर्स यानी ऐसे लोग जो पैसे के लिए लड़ाई करते हैं, जिस काम के लिए शर्ट नाम का शख्स मान जाता है। और इस मिशन के लिए जेड शर्ट को उनकी एक ओल्ड बैटलशिप लेके जाने के लिए देता है, जिसमें नेल नाम का काफी स्मार्ट और एडवांस एआई सिस्टम होता है। अब वही शेड अब शिप में बैठकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसे जाते हुए सैडोर के सिपाही देख लेते हैं और शेड की शिप को तबाह करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन शेड किसी तरह नेल यानी उस एआई के मदद से उनके सारे हमलों से बचकर वहां से निकलने में कामयाब होता है। तो वही दूसरी तरफ शेड सबसे पहले डॉक्टर हेपिस्टस की शिप के पास पहुंचता है, जो कि जेड के एक काफी पुराने दोस्त की होती है, जो सैडोर की सेना से लड़ने के लिए उसकी मदद कर सकता था। जहाँ पे शिप में शार्ट की मुलाकात डॉक्टर हेपिस्टस की बेटी ननालिया से होती है। अब शार्ट उसे अपने आने का कारण बताता है और वो उसे अपने पिता यानी डॉक्टर हेपिस्टस के पास लेके जाती है। और वही हम पहली बार डॉक्टर हेपिस्टस को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। शायद डॉक्टर को सारी बातें बताता है और उनकी मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर कोई भी मदद देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि आखिर इस प्लैनेट को सैडर से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन डॉक्टर फिर भी शायद के सामने एक ऑफर रखते हैं कि वो सभी आखिर इस प्लैनेट के लोगों को उनके शिप में ला सकता है ताकि उनकी जान बचे, मगर इसके लिए शायद को ननालिया के फिजिकल रिलेशन करना होगा ताकि उनकी फैमिली ग्रो हो सके। और शायद ना चाहते हुए भी जबरदस्त से डॉक्टर उसे ननालिया के कमरे में भेज देते हैं, पर शायद किसी तरह ननालिया को समझा लेता है कि उसे वापस जाना होगा, क्योंकि प्लैनेट के लोगों को उसकी जरूरत है। और ननालिया की मदद से ही वो अपनी शिप में वापस आ जाता है, पर वो शायद को उससे दूर जाते हुए खुद को रोक नहीं पाती और खुद भी अपनी शिप में बैठ कर शायद को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे शायद एक स्पेस काउबॉय की शिप जाते हुए देखता है, जिस पर कुछ लोग हमला करते हैं। उन हमलावरों की शिप पे शिप जैकर्स लिखा हुआ था, जो अक्सर दूसरों की शिप तबाह कर उन्हें लूट लिया करते थे। तभी शायद उस काउबॉय की मदद करने का सोचता है और एक एक कर उस हमलावर यानी स्पेस जैकर की शिप पर निशाना लगा कर उन्हें तबाह कर देता है। इसी दरमियान वो सारे काउबॉयज को अपनी शिप में आने देता है और सारे लोग उनकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं। और काउबॉय लोग बताते हैं कि वो दरअसल अर्थ से हैं और उटेमाल नाम के प्लैनेट पर लेजर हैंडगन्स की डिलीवरी करने जा रहे थे। इनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी उन्हें नेलिया ने उस एआई से पता लगता है कि सैडोर की सेना ने उटेमाल इस प्लैनेट पर भी हमला कर दिया है और उसे स्टीलर कन्वर्टर अपने हथियार से एक बड़े से स्टार में बदल दिया है। और क्योंकि अब उटेमाल इसी प्लैनेट पर काउबॉयज को डिलीवरी देनी थी, वो अभी तबाह हो गया है। तो काउबॉय शैड को ये सारे हथियार ऑफर करते हैं ताकि आखिर इस प्लैनेट के लोग सैडोर से लड़ने के लिए इन हथियार का इस्तेमाल कर सके। इसी तरह में दूसरी तरफ ननालिया की शिप को दूसरी एक शिप अपने अंदर खींच लेती है, जहाँ पे उसकी आंख खुलने पर वो खुद को बंधा पाती है। उसे जैमिर नाम के एक एलियन ने पकड़ा होता है। वही उनका लीडर के मैन यहाँ लाने का कारण बताता है कि यहाँ के लोग उसे जल्दी बेच के काफी सारे पैसे कमाने वाले हैं। लेकिन तभी ननालिया रिवील करती है कि वो सैडोर की सेना से लड़ने जा रही है और केमैन को उनकी लड़ाई में शामिल होने के लिए कहती है, जिसे सुन केमैन अपना मन बदल लेता है, क्योंकि सालों
सालों पहले सैटर्न ने उसके प्लैनेट को भी तबाह कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए केमैन को एक मौका चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ शैंट की मुलाकात एक अजीब दिखने वाले 5 एलियन से होती है, जिन्हें मूवी में नेस्टर भी कहा जाता है, जो कि किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं और साथ ही माइंड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिस कारण से सभी एक जैसा ही सोचते थे और बॉडी मूवमेंट्स भी वैसे ही करते थे। उन्हीं एलियंस में से एक शेड को अपने पास आकर कहता है कि हमारी लाइफ काफी बोरिंग हो चुकी है और हमें पता है कि तुम सैडर से लड़ने जा रहे हो, जिसके लिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। जिसे सुन शैड कहता है कि उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन नेस्टर कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो वही दूसरी तरफ सैडर के लोग अकीरा इस प्लैनेट पे आते हैं और शैड की बहन मोल को किडनैप करके लेके जाते हैं। शैड इस बात से अनजान होता है और अपनी आर्मी इकट्ठा करने के लिए वो नास्कोटो नाम के एक प्लैनेट जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात गेल्ट नाम के एक आदमी से होती है, जिसने पैसों के लिए ही कई लोगों की जान भी ली होती है, लेकिन ऐसा करने से उसके काफी दुश्मन भी बन गए थे और इसी कारण से गेल्ट इस प्लैनेट पर छुप कर बैठा था। शैड गेल्ट को सारी बात बताता है। ये सुनकर गेल्ट तुरंत उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके बदले में वो एक शर्त रखता है कि लड़ाई के बाद उसे आखिर इस प्लैनेट में ही रहने देना होगा और उसके साथ ही खाना और रहने के लिए सुरक्षित जगह भी मिलनी चाहिए, जिस पर शैड मान जाता है। अब अपनी सेना बनाने के बाद शैड अपने प्लैनेट वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात सेंट एक्जिमिन नाम की लड़की से होती है, जो कि वैलेरी वॉरियर होती है, जिसे शैड का भेजा हुआ मैसेज मिलता है कि वो लड़ाई में लोगों की मदद चाहता है और वो भी इसी लड़ाई में शामिल होने आई थी। वही शैड, ननालिया और बाकी जितने भी लोग होते हैं, वो सारे लोग आकर इस प्लैनेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मलमोरिया ने सैडर की सेना उन्हें अपने तरफ आते हुए देख भागने की कोशिश करती है, पर मोल जो कि मेलमोरी सोल्जर्स के शिप में होती है, वो उनके शिप को कंट्रोल कर उन्हें खराब कर देती है, जिससे कि उनकी शिप स्लो हो जाती है, जिसका फायदा गेल्ट उठाता है और उसके शिप पर निशाना लगाकर उन्हें तबाह कर देता है, लेकिन उसमें मोल भी मारी जाती है। अब थोड़े समय के बाद सब लोग आखिर प्लैनेट पे आते हैं, जहां पहले तो अकीरा के लोग उनके सामने आने से डर रहे थे, क्योंकि अकीरा के लोग काफी शांत लोग रहते थे, पर शैड के कहने पर वो लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। ये सारे लोग उनकी मदद करने के लिए आए हैं और वहीं पे सब लोग सैडर की सेना से कैसे लड़ना है उसकी प्लानिंग करने लगते हैं, और शैड कुछ लोगों को अपने साथ लेकर सैडर से लड़ने के लिए चला जाता है, जबकि काउबॉय और ननालिया पीछे रुककर दूसरों के साथ रहते हैं। यहाँ पे शैड और सैडर की सेना में काफी लड़ाई होने लगती है। यहाँ पे शैड और बाकी सभी सैडर के भेजे हुए शिप से लड़ने लगते हैं और एक एक कर उन सारे शिप को तबाह कर देते हैं, मगर इसी बीच गेल्ट की शिप भी उनके निशाने पर आ जाती है। धमाके में गेल्ट भी मारा जाता है। इधर सैडर अपनी सेना को आखिर पर भेजता है, पर अकीरा के लोग लेजर गन के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे उनके और सैडर के सोल्जर के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसमें दोनों ही साइड के लोग काफी मारे जाते हैं और इसी में जेड भी मारा जाता है। लेकिन कैसे तैसे अकीरा के लोग सैडर के सोल्जर्स को मारने में कामयाब होते हैं। तो वही गेल्ट अभी भी जख्मी होता है, तो वही जख्मी गेल्ट को कैसे तैसे अकीरा इस प्लैनेट पर लाया जाता है, जिसका शरीर बुरी तरीके से जल चुका होता है, और वो शेड को आखिरी गुड बाय करके मारा जाता है। इसी दौरान जो नेक्टर होते हैं 5 एलियन, वो सैडर के चंगुल में आ जाते हैं, जहाँ पे सैडर के एक सर्जन की मदद से उन नेक्टर्स के हाथ निकाल कर अपने शरीर में वो लगा देता है। पर क्योंकि सारे एलियंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एलियंस उस हाथ को भी कंट्रोल कर पा रहे थे और उसी तरह वो सैडर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर्जन उस हाथों को सैडर के शरीर से काट कर अलग कर देता है। तो वही दूसरी तरफ शैड अपने लोगों को खोने के कारण काफी दुखी हुआ था, इस लड़ाई से उसका मन ही हार जाता है और ननालिया को भी इस मिशन में शामिल होने से मना करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन ननालिया उसे कहती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई थी, क्योंकि वो शेड को पसंद करने लगी थी। ये सुनते ही शेड भी उसे पसंद करने लगता है और वो दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। थोड़े समय के बाद शेड और बाकी सारे लोग अपने अपने शिप में बैठकर एक बार फिर से सैडर की शिप से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच सैडर नेक्टर एलियंस की शिप को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं और नेस्टर यानी 5 जुड़े हुए एलियंस भी मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ सैडर अपनी
सेना को स्टेलर कन्वर्टर हथियार का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, मगर इसके लिए उन्हें शिप के दरवाजे खोलने होंगे और इसी चीज का फायदा सेंट एग्जामिन उठाती है और ठीक समय पर शिप के सामने से हट जाती है क्योंकि बिल्कुल उसके पीछे सेडर का ही शिप आ रहा होता है और सेडर की शिप सीधा स्टेलर कन्वर्टर के पास जाके टकरा देती है जिससे कि उनका हथियार पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। पर अपने सामने और भी शिप आते हुए देख सेंट एग्जामिन बॉम्ब ब्लास्ट कर खुद को और बाकी जितने भी शिप्स होते हैं उन सभी को खत्म कर देती है और इसी तरह वो भी मारी जाती है। इधर काउबॉय और केमैन भी सेडर की शिप से लड़ते हुए मारे जाते हैं। दूसरी तरफ शैड भी सभी शिप को एक एक कर खत्म कर रहा होता है जिसे देख सेडर और उनके शिप को ट्रैक्टर बीम की मदद से अपने शिप के अंदर खींचता है, लेकिन तभी शैड अपने एआई सिस्टम का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड शुरू कर देता है और ननालिया के साथ एस्केप पोर्ट में बैठकर शिप से दूर चला आता है और काउंटडाउन खत्म होते ही शिप में बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि सेडर की शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और इसी में सेडर भी मारा जाता है और उसी के साथ शैड और ननालिया बच गए थे। ननालिया को उनके लोगों के मौत के लिए काफी अफसोस होता है, लेकिन तभी शैड उसे कहता है कि इस प्लैनेट के लोग इन सारे लोगों की मौत को कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा एज अ वॉरियर की तरह उन्हें याद रखेंगे और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।